उड़ान, लेट्स फ्लाई। 17 मार्च, ये कोई आम तारीख नहीं है। इस तारीख ने दुनिया को एक ऐसी महान शख्सियत दी है जिन्होंने अपने लड़की होने की परिभाषा को ही बदल दिया, जिसने बैडमिंटन में अपने खेल से भारत का परचम सारे जहां में लहरा दिया, यानी वन एंड ओनली साइना नेहवाल। हरियाणा की जमीन ने इंडिया को बहुत से ऐसे हीरे दिए हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी है। फिर चाहे बात करनाल में जन्मी कल्पना चावला की हो या फिर हिसार की मिट्टी से बनी साइना नेहवाल की। साइना नेहवाल के अचीवमेंट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन हर सक्सेस के पीछे छुपी होती है दिन रात महीनों सालों की कड़ी मेहनत। हरियाणा के हरवीर और उषा के घर में जन्मी साइना नेहवाल अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। दूसरी बार भी बेटी होने से नाराज उनकी दादी ने एक महीने तक साइना का मुंह तक नहीं देखा। लेकिन ये संयोग है या किस्मत का इशारा, साइना नेहवाल को आज भारत सरकार ने गर्ल चाइल्ड कैंपेन ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने साइना को डार्लिंग डॉटर ऑफ इंडिया के खिताब से भी नवाजा। लेकिन साइना के बैडमिंटन के सफर की शुरुआत बैडमिंटन कोर्ट से नहीं बल्कि कराटे से हुई और बचपन में वो ब्रॉन्ज मेडल भी लेकर आई। फिर कुछ टाइम बाद उनके पिताजी का ट्रांसफर हैदराबाद में हुआ और ये वो शहर था जहां बैडमिंटन और उसमें एक महान खिलाड़ी पी गोपीचंद का बोलबाला था, क्योंकि उन्होंने नेशनल टाइटल और ऑल इंग्लैंड क्राउन जीते थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के बैडमिंटन कोच मिस्टर पीएसएस नन्नी प्रसाद राव की नजर जब 8 साल की साइना पर पड़ी तो मानो वो समझ गए कि साइना कुछ बड़ा करने के लिए बनी है। इसलिए उन्होंने साइना को रोज सुबह 6 बजे बैडमिंटन प्रैक्टिस पर आने के लिए कहा। बस वही वो पल था जब साइना का बैडमिंटन सफरनामा शुरू हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि साइना के घर से स्टेडियम की दूरी 20 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। ऊपर से स्टेडियम में सुबह 6 बजे आना था। ऐसे में हरवीर सिंह को अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ साइना की प्रैक्टिस के साथ भी टाइम मिलाना पड़ता था। हर रोज कम से कम 50 किलोमीटर आना जाना होता था, वो भी एक स्कूटर पर। ये सब 3 महीने तक लगातार चलता रहा। स्कूटर पर हर रोज ₹150 लगते थे। इसके बाद बैडमिंटन के सामान पर भी खर्चा होता था। अकेले साइना पर ही महीने के करीब करीब ₹12,000 खर्च होते थे, यानी हरवीर सिंह की आधी से ज्यादा सैलरी सिर्फ साइना पर ही खर्च होती थी। कई बार ऐसे हालात भी बने जब हरवीर को अपने प्रोविडेंट फंड से भी पैसे निकालने पड़े, कभी दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार भी लेना पड़ा। अब साइना को करना थी तो सिर्फ प्रैक्टिस, और यही उनके कोच प्रसाद राव सर ने भी कहा। अपने गुरु के आदेश को सुनकर साइना ने खुद को पूरी तरह से बैडमिंटन को समर्पित कर दिया। 1999 से 2000 तक ऐसे ही दिन करते थे। 2002 में योनिक सनराइज स्पोर्ट्स ने जब साइना की किट की स्पॉन्सरशिप ली तब पिता हरवीर को थोड़ी राहत मिली। ये वो दौर था जब क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने पर प्राइज बहुत छोटा मिलता था। Under-10 स्टेट लेवल चैंपियन जीतने पर भी साइना को सिर्फ ₹300 ही मिले थे। साथ ही साथ माँ बाप को साइना की पढ़ाई छुड़वाने का भी डर बना रहता था। 2003 तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सिर्फ ₹600 हर महीने मिलते थे, जो 2003 में बढ़कर 2500 हो गए। धीरे धीरे साइना नेहवाल को लोग जानने लगे, उनके खेल के दीवाने होने लगे। 2006 में 16 साल की साइना नेहवाल 4-स्टार टूर्नामेंट जीतने वाली फर्स्ट इंडियन फीमेल और द यंगेस्ट एशियन प्लेयर बनी। इसी साल साइना ने फिलीपींस ओपन टूर्नामेंट जीता और ऐसा करने वाली वो बनी फर्स्ट इंडियन। हालांकि 2007 साइना के लिए इतना अच्छा साल नहीं रहा। साइना इस साल ऑल इंग्लैंड में पार्टिसिपेशन के लिए गई, लेकिन वांग चेन से पूरी तरह हार गई, जिसके बाद ये ख्याल लगने लगा कि साइना का करियर अब खत्म हो रहा है। लेकिन हर सुबह से पहले रात सबसे काली होती है और एक नया सवेरा साइना की लाइफ में बस होने ही वाला था। 2008 में साइना ने जीते 3 टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स और चाइनीज ताइपी ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड जीतकर अपना स्वाभिमान और देश का मान बढ़ाया। अपने कठिन परिश्रम से 2009 में साइना नेहवाल सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया की दूसरी सबसे अच्छी बैडमिंटन प्लेयर बन चुकी थी।
इस साल उन्होंने BWF सुपर सीरीज टाइटल अपने नाम किया और ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन बनी। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल इंडिया की झोली में डाला और 2015 में 25 साल की उम्र में वो बनी वर्ल्ड्स नंबर वन बैडमिंटन प्लेयर। 2009 में अर्जुन अवार्ड और 2010 में साइना को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। कुछ ही वक्त बाद पद्मश्री पुरस्कार भी मिला और 2016 में पद्म भूषण भी। साइना ने अब तक 24 इंटरनेशनल टाइटल्स में पहला स्थान हासिल किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ओर से ऑर्गेनाइज किए जाने वाले सारे फॉर्मेट्स में मेडल पाने वाली वो अकेली इंडियन है। ओलंपिक्स में बैडमिंटन में इंडिया के लिए मेडल पाने वाली वो सबसे पहली प्लेयर है। हम उम्मीद करते हैं कि साइना नेहवाल की इतनी मेहनत और उससे मिली अचीवमेंट से आपको अपनी लाइफ में कुछ मोटिवेशन मिला हो, क्योंकि आज साइना सेड, जब आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हो जाएं, तब आपको असली खुशी मिलती है।